दोस्तों मेरी चैनल सारिकास कुकिंग गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों जो महाराष्ट्र की फेमस भाजनी की चकली बनाने वाले हैं, इससे पहले मैंने रेडीमेड भाजनी के आटे से चकली बनाई थी, पर आज हम भाजनी चकली का आटा घर पर ही बनाएंगे और उसी आटे से चकली भी बनाएंगे। घर पर बने आटे की चकली बेहद ही कुरकुरी और खस्ता बनती है और स्वादिष्ट इतनी बनती है कि एक बार खाने पर खाते ही रहने का दिल करता है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भाजनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 कप चावल ले लेती हूँ। मैंने पुराने और मोटे चावल लिए हैं, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। जो भी आप घर में रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं वो चावल भी चलेंगे। अब हमने जितने चावल लिए हैं उसे आधी मात्रा में यानी कि 1 कप चना दाल दूसरे बाउल में ले लेते हैं। अब चना दाल की आधी मात्रा में यानी आधा कप उड़द की दाल लेंगे। उसके बाद लेंगे 1/4 कप मूंग की दाल। देखिए चावल और दाल की क्वांटिटी हमें इस तरह रखनी है, 2 कप चावल तो 1 कप चना दाल, आधा कप उड़द की दाल और 1/4 कप मूंग की दाल। अब चावल और सारी दालों को हम बारी बारी से धो लेंगे। तो सबसे पहले हम चावल को 2 से 3 बार पानी बदल कर धो लेते हैं। चावल धुल चुके हैं, अब इन धुले हुए चावल को हम छलनी में डालकर छान लेते हैं। ये देखिए इस तरह हमने चावल को छान लिया है। अब इन चावल को हमें सुखाना है, तो एक सूती कपड़ा बिछाकर चावल को हम इस तरह कपड़े पर सुखाने के लिए फैला देंगे जिससे जल्दी से सूख जाएंगे। अब इसी तरह हम चना दाल को भी 2 से 3 बार पानी बदलकर धो लेते हैं। अब इस धुली हुई चना दाल को भी हम छलनी से छान लेते हैं और सुखाने के लिए कपड़े पर चावल के बाजू में फैला देते हैं। इसी तरह हम उड़द की दाल और मूंग की दाल को भी धो लेते हैं और छानकर कपड़े पर सुखाने के लिए फैलाएंगे। देखिए मैंने कपड़े पर चावल और तीनों भी दाल को सुखाने के लिए फैला लिया है। अब इन्हें हमें पंखे के नीचे घर में सुखाना है, धूप में सुखाना नहीं है। पंखे के नीचे सुखाने से जल्दी से सूख जाएंगे, इसलिए इसे मैं पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए चावल और दाल कितने अच्छे से सूख गए हैं। अब बारी है इन्हें सेकने की, तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ स्लो फ्लेम पर मैंने ये कढ़ाई रखी हुई है। इस कढ़ाई में हम दाल और चावल डाल लेते हैं और स्लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए सेक लेते हैं। 10 से 12 मिनट हमें इन्हें रोस्ट करने में लगेगी। जैसे जैसे ये रोस्ट होते जाएंगे दाल का कलर बदलता हुआ नजर आने लगेगा। इन्हें अच्छे से सेकना बेहद ही जरूरी है, तभी हमारी चकली कुरकुरी बनेगी। पर ध्यान रहे चावल और दाल को हमें जलने नहीं देना है, इसलिए गैस की फ्लेम को स्लो रखकर धीरे धीरे हम सारी चीजों को सेकेंगे। घर पर चकली का आटा तैयार करने में मेहनत तो लगती है, पर जब आप इस तरह घर पर भाजनी चकली का आटा तैयार करके चकली बनाएंगे तो आप बाहर से भाजनी चकली का आटा खरीदना भूल जाएंगे, क्योंकि घर पर बने आटे की चकली खाने में बेहद ही स्वादिष्ट लगती है। आप देख सकते हैं कि चना दाल का रंग बदल गया है, ये गुलाबी रंग की दिखाई देने लगी है और मूंग और उड़द की दाल सुनहरे रंग की दिखाई देने लगी है, यानी दाल और चावल रोस्ट हो चुके हैं। तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसी के साथ चकली में लगने वाले बाकी के इन्ग्रीडियंट्स को भी सेक लेते हैं। तो सबसे पहले हम आधा कप पोहा कढ़ाई में ले लेते हैं और स्लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए सेकेंगे। पोहा हाथ में लेने के बाद कुरकुरे लग रहे हैं, यानी कि ये रोस्ट हो गए हैं। तो पोहा को भी हम दाल और चावल के साथ निकाल लेते हैं। अब 1/4 कप साबुदाना को कढ़ाई में ले लेते हैं और कंटिन्यू चलाते हुए स्लो फ्लेम पर ही सेकेंगे। साबुदाना जब सेकने लगेंगे साबुदाना से तड़तड़ की आवाज आने लगेगी, इसलिए हमें साबुदाना की तड़कने तक सेकना है। साबुदाना से तड़कने की आवाज आने लगी है, तो अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब कड़े में हम 2 चम्मच साबुत धनिया ले लेते हैं और स्लो फ्लेम पर ही कंटिन्यू चलाते हुए धनिया को सेक लेते हैं। देखिए साबुत धनिया का रंग सेकने के बाद बदल गया है, तो इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब 1 चम्मच जीरा कड़े में ले लेते हैं और गर्म कर लेते हैं। जीरा को हमें सिर्फ गर्म करना है, सेकना नहीं है। जीरा ज़्यादा रोस्ट हो जाने पर जीरे का फ्लेवर बदल जाएगा, इसलिए सिर्फ गर्म करना है। जीरा भी गर्म हो गया है तो इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह हमने भाजनी चकली के सारे इंग्रेडिएंट्स को सेक के पिसवाने के लिए रेडी कर लिया है। ये देखिए हमारी भाजनी तैयार है।
अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास घरघंटी हो तो उसमें आप बारीक पीस सकते हैं। मैं इसे चक्की पर पिसवाऊंगी, पर ध्यान रहे भाजड़ी को गेहूं के आटे पर नहीं पीसना है। चावल, दाल या फिर ज्वारी के बाद भी चलेगा, और मिक्सर में तो बिल्कुल भी नहीं पीसना है। चक्की से मैंने आटा पिसवा लिया है। इस आटे को आप 1 से 2 महीने तक आराम से बाहर रख सकते हैं और फ्रिज में 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, और फिर जब दिल चाहे चकली बना सकते हैं। और ये इस कप के माप अनुसार 4 कप आटा है। अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ गैस पर मैंने ये बड़ी पतीली रखी है। इस पतीली में हमें जितना आटा है उतना ही पानी लेना है, यानी इस कप के माप से हम 4 कप पानी पतीली में डाल लेते हैं। अब पानी को गर्म होने देते हैं। देखिए पानी गर्म हो गया है। अब पानी में हम मसाले मिला लेते हैं। तो सबसे पहले मिलाएंगे आधा चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक, 2 चम्मच तिल, 1/4 चम्मच हींग, 2 चम्मच तेल और 2 चम्मच बटर। अब मिक्स कर लेते हैं और पानी में उबाल आने देते हैं। देखिए पानी अच्छे से उबल गया है। अब इसमें हम भाजने का आटा डाल लेते हैं। और अच्छे से मिला लेते हैं। अब गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। मिला लेने के बाद अब इसे हम ढक देंगे और 15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। 15 मिनट के बाद आटे को हम बड़ी थाली में निकाल लेते हैं। अब इसे हमें मसल कर डो प्रिपेयर करना है। साधारण गर्म रहते ही हमें इसे मसलना है। आटा ज्यादा है और थोड़ा गर्म है, इसलिए मैं ये ग्लास ले लेती हूँ और इस ग्लास से हम आटे को थोड़ा मसल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। शुरू में आटा आपको ज्यादा सूखा लगेगा, पर जैसे जैसे इसे आप मसलते जाएंगे ये प्रॉपर हो जाएगा। थोड़ा ग्लास से मसल लेने के बाद अब आटा हाथ से मसलने जितना ठंडा हो गया है, तो हाथ से मसलना शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा आटे का गोला बनाकर मसलेंगे, जिससे मसलने में आसानी होगी। अब सारा आटा एक साथ मसल कर डो बना लेते हैं। देखिए चकली के लिए डो तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट डो बना है। चकली का साचा ले लेते हैं और साचे को और चकली की जाली को तेल से ग्रीस कर लेते हैं। अब आटे से छोटा गोला लेकर उसे फिर से थोड़ा मसल लेते हैं और लंबा गोला बनाकर साचे में भर लेते हैं। इस सर दबाकर फिल करना है। अब साचे को बंद करके चकली बनाना शुरू करेंगे। चकली बनाने के लिए मैंने ये थाली ली है, जिसे उल्टा रखा हुआ है। इस पर हम थोड़ी चकलियां बना लेते हैं। आप अपनी पसंद से छोटी या बड़ी चकली बना सकते हैं। चकली बना लेने के बाद चकली के एज को इस तरह दबा देना है, जिससे चकली तेल में छूटती नहीं। यहाँ पर मैंने 3 चकली बना ली है। अब चकली को थाली पर से आसानी से उठाने के लिए हमें इस तरह का फ्लैट स्पैटुला लेना है। ये देखिए फ्लैट स्पैटुला की मदद से हम चकली को कितनी आसानी से उठा पा रहे हैं, और इस तरह तेल में चकली को छोड़ते वक्त भी आसानी होती है। चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। यह गैस की मीडियम फ्लेम पर इस पैन में मैंने तेल को गर्म करने रखा है। तेल गर्म हुआ या नहीं वो देखने के लिए तेल में आटे का छोटा गोला गिराकर देख लेते हैं। चकली के लिए हमें एकदम गरम तेल लगता है और यहाँ पर तेल गरम हो गया है। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो तरफ रखकर तेल में चकली को छोड़ लेते हैं। देखिए फ्लैट स्पेटुला की वजह से चकली को तेल में छोड़ने में कितनी आसानी हो रही है।
चकली को हमें तुरंत नहीं पलटना है, तेल में आने वाले बुड़बुड़े के कम होने पर हमें चकली को पलटना है। बुड़बुड़े कम हो गए हैं तो चकली को पलट लेते हैं। इस चकली के सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने पहले से ही सेका हुआ है, इसलिए इस चकली को फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इस चकली को आप अच्छे से ठंडा करके फिर एयर टाइट कंटेनर में 10 से 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। चकली अच्छे से फ्राई हो गई है तो इन्हें हम एक प्लेट में पेपर नेपकिन रखकर निकाल लेते हैं और बाकी की चकलियों को भी इसी तरह बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ चकलियाँ बना ली है और ये देखिए हमारी चकली कितनी बढ़िया लग रही है और एकदम कुरकुरी और खस्ता बनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको भाजनी चकली घर पर आसानी से कैसे बनाई जाती है वो दिखा दिया। अब आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको भाजनी चकली की रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।